हेलो दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूस मुझे व्हाट्सअप क्वेश्चनस आ रहे हैं या हमारे कस्टमर केयर पे कॉल आ रहा है कि सर का मई के लिए बैच कब आएगा नवंबर के लिए बैच कब आएगा तो सोचा कि एक छोटा सा वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर दूं और जिसमें सब आपको बता दूं कि हम जितने भी कोर्सेस ऑफर करते हैं रेगुलर क्लास सुपर थर्टी क्लास मैराथन क्लास उसके बाद में क्वेश्चन या डिस्कशन आई सी आई अमेंडमेंट्स वगैरह तो जितने भी आपके क्वेश्चन जो व्हाट्सअप पर आ रहे हैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में मैं जानकर दे so, दोस्तों आगे बढ़ने के पहले दो मिनट में मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा ए विशाल भट्ट फैकल्टी ऑफ टैक्सेस पुणे टैक्सेस ये सब्जेक्ट को जानते हो ना ओके okay, तो हाँ इसमें एक हमारा जो मेन सब्जेक्ट है जीएसटी आज जीएसटी कौन नहीं जानता है तो बेटा यस ये एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है चैलेंजिंग प्रैक्टिस के लिए भी है और इसके बारे में ओके okay, आपको कोर्सेज हम कैसे अवेलेबल करवाते हैं सीए फाइनल लेवल पे हम यहाँ डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो एक छोटा सा वीडियो मैं आगे, आगे आपको डिटेल जानकारी दूंगा कि हमारे सभी कोर्सेज किस तरह से रिकॉर्ड होते हैं और आपको कैसे अवेलेबल होते हैं और आपको एंड तक दोस्तों हम किस तरह से हेल्प करते हैं तो <coughs> यस तो बी रेडी चलो स्टार्ट करते हैं मैं आपको कंप्लीट टाइमलाइन यहां पे देता हूं और इस टाइमलाइन में पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आपको वीडियो अवेलेबल होगा ये स्क्रीन आपके सामने है तो ये स्क्रीन में मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि किस टाइप के कोर्सेस हम ऑफर करते हैं रेगुलर इनडेप फुल कोर्स सिक्सटी लेक्चर्स का होता है पहले एक बार लिस्ट पढ़ लेता हूँ फिर इसके बारे में छोटी सी आपको जानकारी भी दूंगा कि ये कोर्सेस हम किस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स uh, को देते हैं और स्टूडेंट को एग्जाम तक यानी जब तक उनकी एग्जाम नहीं होती है तब तक वी स्मार्ट की सभी फैकल्टी और मैं इनडायरेक्ट एक्सेस में उनको किस तरह से हेल्प करते हैं सो so, बेटा रेगुलर इनडेप कोर्स जो सिक्सटी लेक्चर्स का होता है दूसरा सुपर थर्टी फाइव एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स जो थर्टी फाइव लेक्चर्स का होता है बूस्टर इनडेप रिविजन कोर्स जो ट्वेंटी लेक्चर्स का होता है क्वेश्चनअर डिस्कशन जो है टेन लेक्चर्स का होता है आई सी ए आई अमेंडमेंट्स आर टी पी के स्टडीज जो है यहाँ फाइव लेक्चर्स का क्विक चार्ट रिविजन बिफोर एग्जाम जिसे मैराथन रिविजन कहते हैं ओके यहाँ पे फोर टू फाइव लेक्चर्स का और यहाँ फाइनल एग्जाम थ्री मंथ्स बिफोर आपकी स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए उसके बारे मैं में मैं डिटेल में बताता हूं तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आते हैं रेगुलर इनडेप कोर्स रेगुलर इनडेप कोर्स जो है बेटा स्पेशली वो स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो यहाँ पे सीए इंटर पास होकर आते हैं और अब सीए फाइनल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग साइकोलॉजी होती है कुछ स्टूडेंट्स को स्टडी करते वक्त ऐसा होता है कि यार मुझे पूरी उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए बैकग्राउंड पता होना चाहिए उसके एक एक वर्ड का एनालिसिस होना चाहिए डिटेल में उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए तो यहाँ हर एस्पेक्ट पे उसका जो होल्ड होना चाहिए तो ऐसे सिचुएशन में आ, जो ये स्टूडेंट इस तरह से पढ़ाई करते हैं उस स्टूडेंट्स के लिए मैंने

कि सर हमें हमने ऑफिस में बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है हमें एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है या मेरे पास लिमिटेड टाइम है मुझे सर अच्छे से भी पढ़ना है फुल कोर्स भी कंप्लीट करना है और यहाँ एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है तो हाँ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी वी स्मार्ट यहाँ तत्पर है मैं और हमारी सब फैकल्टी जो है सुपर थर्टी फाइव कोर्स जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवा देती है इसमें सब कुछ पूरा डिस्कशन होता है कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है ओके पर यह एग्जाम ओरिएंटेड होता है तो यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा हेल्पफुल है जो यहां एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहते हैं और कम से कम टाइम में लेक्चर हाँ, तो रिकॉर्ड किया है तो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी वो जरूर देखिएगा तो आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रेगुलर कोर्स बाय करना चाहिए या सुपर थर्टी एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स हमने बाय करना चाहिए अगर यहां अ ये आपको कंप्लीटली जानना है या बाय करने के पहले आपको ये डिसीजन लेना है तो मेरी ये डिस्क्रिप्शन कॉलम में जो लिंक दी गई है वो जरूर देखिएगा तो डेफिनेटली आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी फिर मैं आता हूँ बेटा यहाँ पे बूस्टर इन डेप्थ रिवीजन कोर्स ये बूस्टर रिवीजन कोर्स अब बेटा क्या होता है कि बहुत सी बार अब आपकी पढ़ाई हो गई है Uh, हो सकता है कि पहली बार आपने जो रेगुलर कोर्स किया हो या सुपर थर्टी फाइव कोर्स फुल कोर्स किया हो uh, आपने एग्ज़ाम दे दिया अनफॉर्चुनेटली आपका जो रिज़ल्ट निगेटिव रहा क्योंकि सी एग्ज़ाम है इसमें लिमिटेड पासिंग रिज़ल्ट होता है अब अनफॉर्चुनेटली आपका रिज़ल्ट जो है बेटा वो पॉजिटिव नहीं रहा तो अब सेकेंड टाइम जो है तो बहुत सी बार क्या होता है ये जब मैं पढ़ता था ना तो ये मैं फील करता था कि यहाँ एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद अगर लिफ्ट मिल जाए सब्जेक्ट में एक बार क्योंकि तीन महीने का गैप होता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है अमेंडमेंट्स भी कंटिन्यूस होती है तो एक बार अगर लिफ्ट मिल जाए यानी कोई फटाफट रिवाइज करके दे एंटायर सिलेबस तो डेफिनेटली बहुत फायदा हो सकता है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बेटा मैंने यहाँ पे बूस्टर रिविजन कोर्स बनाया था ओके ये बूस्टर नाम जो है मेरा इन्वेटेड नाम है तो बूस्टर रिविजन कोर्स मैंने टू में बनाया था और ये रिविजन कोर्स बेटा बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प किया आपने अगर देखते हो तो आप अपने सीनियर को पूछ सकते हो तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को इसका, इसका बहुत ज्यादा एडवांटेजेस मिला का है कि स्टूडेंट्स जो है यहां पे, आ, आ, प्रिपरेशन करते क्लासेस दोनों यहाँ पे दोनों ग्रुप के लिए करते हैं लेकिन एग्जाम एक ही ग्रुप की देते हैं फिर गैप पड़ जाता है तो गैप पड़ने के बाद एक रिफ्रेशर कोर्स चाहिए जिसमें जितना भी पढ़ाया हो वो एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाए तो इन डेप्थ हम बूस्टर रिवीजन कोर्स देते हैं ट्वेंटी लेक्चर्स का जिसकी जानकारी मैंने जैसे मैंने कहा कि रेगुलर कोर्स सुपर थर्टी फाइव कोर्स और बूस्टर रिवीजन कोर्स जो है इन तीनों में क्या डिफरेंस है नीचे लिंक में मिल जाएगा लेकिन ये बूस्टर रिविजन कोर्स रिविजन के लिए बहुत बेनिफिट है हम ये वो स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है बेटा कि जो पूरा यहाँ पे बहुत गैप होने के बाद एक बार पूरा अच्छे करना चाहता है चलो यहां तक तो हमारे तीन कोर्सेस है और वो बाय ऑप्शन में आपको अवेलेबल है फिर आता है बेटा क्वेश्चन डिस्कशन अब एक सवाल है ओके okay, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बेटा देखो रेगुलर क्लास पढ़ लिया रेगुलर क्लास में जितने प्रॉब्लम सॉल्व कर ले थे, कर लेते लिए सुपर में जितने प्रॉब्लम सॉल्व करने थे कर लिए या रिवीजन भी कर लिया लेकिन इंपॉर्टेंट तो ये होता है ना कि भाई हमें जाके एग्जाम देना है और एग्जाम हमें जाके देना है तो हमें एक वो भी पढ़ने का पैटर्न चाहिए कि एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और हमने कैसे लिखना चाहिए उसमें कौन सा कंटेंट हमने लेना चाहिए यह तो सवाल आपके दिमाग में आता होगा तो ऐसे यहां पे इस पर प्रिपरेशन करने के लिए हमने क्वेश्चन एयर बनाया जिसे आप क्वेश्चन बैंक भी कह सकते हो क्वेश्चन एयर बनाया बेटा अब मुझे याद है 2018 में जीएसटी में पहली बार मैंने यह क्वेश्चन एयर पब्लिश किया था पहला क्वेश्चन एयर मेरा 2018 जनवरी में आया था बेटा तो इसमें मैंने यह क्वेश्चन एयर बनाते वक्त ओके जो भी सी के फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है आर के क्वेश्चन है उसके बाद में तब तो आर नहीं थी तो मैंने तो यहां पे इस पर इतनी मेहनत की थी कि एक साइज में कैसे क्वेश्चन पूछे गए और फिर मैं कैसे इसमें पूछूंगा सी ए प्रोफेशनल्स के लिए एक गाइडलाइन uh, इशू किया था इंस्टीट्यूट ने वो भी मैंने इसमें कवर किया पर आज जीएसटी आने को तीन साल हो गए तो इसमें ये क्वेश्चन है मैंने सी ए सी एम ए सी ए सबका आर टी पी कवर किया हुआ बेटा सबके एग्जामिनेशन क्वेश्चन आज तक के जितने भी एग्जाम हुए सभी एग्जामिनेशन क्वेश्चन मैंने कवर किया है सी बी एस सी के फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन मैंने कवर किया है तो बेटा यहाँ ये क्वेश्चन एयर बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल है इसमें मैंने हर फैसेट पे हर एंगल पे क्वेश्चंस बना के दिए मैंने अपने भी बहुत सारे क्वेश्चंस बना के दिए हैं ओके okay, ये क्वेश्चन एयर में अराउंड 1500 हंड्रेड क्वेश्चन इसमें कवर्ड है और यहाँ 1000 के आसपास एमसीक्यू इसमें कवर्ड है तो बेटा ये क्वेश्चन एयर एक तरह का प्रैक्टिस मैनुअल है अब इंस्टीट्यूट भी प्रैक्टिस मैनुअल कर रही है हाँ एक बार और बता दूँ आई का भी पूरा प्रैक्टिस मैनुअल इसमें कवर्ड है तो बेटा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और यस yes, यहां पे मैं आपको यह प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्वेश्चन एयर के थ्रू ये बेटा क्वेश्चन तो हम आपको क्वेश्चन एयर रेगुलर कोर्स के साथ दे देते हैं जो आपने जरूर पढ़ना चाहिए यानी हमारा कंसेप्ट हो गया कंसेप्ट होते आपने क्वेश्चन एयर पढ़ लेना चाहिए सो so दैट आपकी ग्रिप बहुत अच्छी आ जाती है लेकिन अब इसमें क्या होता है बहुत सी बार जब आप पढ़ते हो तो यहां स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ी दिक्कत जाती है और वो ये कि कभी कभी जीएसटी है नया कोर्स है तो इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी कैलकुलेशन उनको समझ में नहीं आते हैं कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर कोई साथ में हमको ये क्वेश्चन आंसर पढ़ाने वाला हो तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बेटा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन या डिस्कशन जो है दस लेक्चर्स डिजाइन किए हैं और क्वेश्चन वाइज मैंने डिज़ाइन किया है ओके okay, तो यहाँ पे ये दस लेक्चर आपको बुस् कर देते हैं पढ़ने के लिए जनरली पूरा सब्जेक्ट होने के बाद तो बेटा सेकंड रिवीजन होती है तो सेकंड रिवीजन में ये क्वेश्चनर जो है अगर आप कर लो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अबो सेवेंटी मार्क्स और यही इस क्वेश्चनर में होता है तो मैं आपको कहूँगा कि ये दस लेक्चर जो है मैं यूट्यूब पर आपके लिए बेटा फ्री देता हूँ तो आपने ये दस लेक्चर जरूर करना चाहिए तो यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कशन है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसके बाद में यस अब आई जो है वन ऑफ द मोस्ट चेंजिंग सब्जेक्ट है जब तक समझ में आ जाता है तब तक बदल जाता है तो बेटा एक अब आपको ये कहो कि आ, आपने ये छह महीने पहले क्लासेस कर लिए Uh, या आपका अटेम्प का गैप हो गया या अनफॉर्चुनेट अटेम्प क्लियर नहीं हो पाया तो ज़रूरत पड़ती है अमेंडमेंट्स की तो ये अमेंडमेंट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं बेटा बेटा मैं आपको कह दूं कि जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती है और जब तक आप पेपर नहीं लिखते हो तब तक, तक मैं आपको कंटिन्यूस सपोर्ट करते रहता हूँ तो ये अमेंडमेंट्स बेटा एग्जाम के आ, पहले दो महीने पहले हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपका मे एग्ज़ाम होगा या नवंबर एग्जाम होगा तो ये अमेंडमेंट्स विथ आर डिस्कशन क्योंकि हर अटेम्प की आर आती है और अगर आई की कोई एडिशनल केस स्टडी यहाँ पे अनाउंस होती है या आई सी आई यहाँ पे नोटिफाई करता है तो वो केस स्टडी भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं तो देखो इस तरह से भी हम आपको आ, के पूरा हेल्प देते हैं आ, आ, तो यस yes, ये रहा रिगार्डिंग टू अमेंडमेंट्स आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी तो नेक्स्ट बेटा क्विक चार्ट रिवीजन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि दोस्तों चलो आपने रेगुलर कोर्स पढ़ लिया क्वेश्चन एयर्स पढ़ लिए क्वेश्चन एयर्स के बारे में तो ये कहते तो बहुत से स्टूडेंट का ये फीडबैक है कि सर का क्वेश्चन एयर पढ़ लो पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है तो बहुत से स्टूडेंट लास्ट के दो महीने में तो क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं हाँ अमेंडमेंट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं केस स्टडीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन एक होता है कि यार एग्जाम के एक महीने पहले ना अगर एक दिन में पूरा सब्जेक्ट कोई रिवाइज करके दे देना तो मजा आ जाएगा यानी सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस ही अलग होता है तो बेटा यस yes, वो यहां पर आईडी टी में मैं आपको देता हूं क्विक चार्ट रिवीजन हमें जिसे कहते हैं आपको वॉल चार्ट्स मिलते हैं ओके okay, तो ये वॉल uh, चार्ट कैसे होते क्या होते हैं हैं क्या तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैं यहां पे आपको दूंगा तो वो भी जरूर देखना इसके लिए आपको वी स्मार्ट का चैनल सब्सक्राइब uh, करना पड़ेगा तो क्वेश्चन एयर किस तरह से मैंने डिजाइन किया है उसके बाद में यहां पर चार्ट रिविजन हम कैसे uh, करवाते हैं उसका चार्ट कैसे मिलता है इसकी पूरी डिटेल जानकारी मैं उस वीडियो में अपलोड करूंगा तो ये चार्ट रिवीजन एक मैराथन रिवीजन होता है आप सुबह सात बजे से लेकर तो रात को सात बजे तक बैठो तो बारह घंटे में यानी एक लेक्चर तीन घंटे का होता है तो चार से पांच लेक्चर का ये रिकॉर्डिंग होता है तो बारह घंटे में पूरा जीएसटी यहाँ रिवाइज़ होता है जस्ट इमेजिन बारह घंटे में कॉन्फिडेंटली पूरा जीएसटी रिवाइज हो जाता है बेटा तो ये चार्ट रिविज़न हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद में ओके आपने एग्जाम के तीन महीने पहले क्योंकि वो बहुत क्रुशियल टाइम होता है तो ये क्रुशियल टाइम में आपकी स्ट्रैटी कैसे होनी चाहिए यस वो भी मैं आपको बताता हूं सो दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर्स कौन से लेक्चर्स फ्री अवेलेबल है कौन से बाय ऑप्शन में अवेलेबल है मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है लेकिन अब आपका दूसरा सवाल है कि सर आ, हमारा अटैम्प मे अटेम्प्ट है अब मे अटेम्प्ट के लिए अब हमें रेगुलर कोर्स बाय करना है तो ये कब अवेलेबल होता है इसकी रिकॉर्डिंग बेटा मैं फर्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट करता हूँ क्योंकि अगर आपका मे अटेम्प्ट है तो वो केस में उसके जो पहले वाला साल है मतलब अगर एग्जाम्पल 2022 में आपका मे अटेम्प्ट होगा तो उसके पहले वाला जो अगर एग्जाम्पल ले तो अक्टूबर यानी टू थाउजेंड का जो अक्टूबर है बेटा तो ये अक्टूबर में हम ये रिकॉर्डिंग चालू करते हैं क्योंकि सी ए फाइनल आई के नोटिफिकेशन के हिसाब से सी ए फाइनल को जो डी टी आई डी टी में अमेंडमेंट्स अपलीकेबल होती है या लॉ में अमेंडमेंट्स अपलीकेबल होती है वो सिक्स मंथ बिफोर यानी मे टर्म के लिए आपकी कट ऑफ डेट होती है थर्टी फर्स्ट

सुपर थर्टी फाइव कोर्स मैं रिकॉर्ड करता हूँ जैसे रेगुलर मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो ये मैं रिकॉर्ड करता हूँ मिड ऑफ दिसंबर में क्योंकि रेगुलर कोर्स की रिकॉर्डिंग मिड ऑफ दिसंबर में खत्म हो जाती है तो यहाँ मिड ऑफ दिसंबर में मैं सुपर थर्टी फाइव कोर्स रिकॉर्ड करता हूँ बेटा अब ये सुपर थर्टी फाइव कोर्स जो है यहाँ पे जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ मिड ऑफ डिसम्बर एंड होता है मिड ऑफ जनवरी में थर्टी फाइव लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली कम ज्यादा एक दो लेक्चर्स पर थर्टी फाइव लेक्चर्स में पूरा इनडायरेक्ट एक्सेस कंप्लीट हो जाता है ठीक है Uh, तो मे अटैम के लिए रिकॉर्डिंग नई रिकॉर्डिंग आती है मे मिड ऑफ़ दिसम्बर के लिए उस मिड ऑफ डिसम्बर में फिर बूस्टर रिविजन कोर्स रिविजन कोर्स नॉर्मली रिजल्ट के बाद क्योंकि रिविज़न कोर्स की जरूरत स्टूडेंट्स को रिविजन रिजल्ट के बाद ही होती है जनरली हमारा रिजल्ट ओके अगर एग्जाम प्रॉपर टाइम में नवंबर में हो जाए या मे में हो जाए तो समझ लो एग्जाम एग्जाम नवंबर में हो गई तो अब आपका रिजल्ट जो आता है जनवरी में आता है तो जनवरी थर्ड वीक में आता है तो रिजल्ट के बाद चार पांच दिन बाद हमारा बूस्टर रिवीजन कोर्स स्टार्ट होता है जो रिवीजन कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूं तो ये उसकी टाइमलाइन हुई कि इसकी रिकॉर्डिंग आपको कब मिलती है क्वेश्चन या डिस्कशन क्वेश्चन या डिस्कशन में रिकॉर्डिंग करता हूँ बेटा यहाँ पे मार्च में यानी यहाँ मैंने लिखा है फेबर के थर्ड वीक में या मिड ऑफ फेब से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन या डिस्कशन तो ये क्वेश्चनर डिस्कशन जो है बेटा ओके मिड ऑफ फेफ से स्टार्ट होता है और मार्च तक एंड हो जाता है ये यूट्यूब लाइव पे होता है और यूट्यूब लाइव पे होता है या कभी कभी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देता हूँ तो ऐसे केस में ये क्वेश्चन डिस्कशन हमारा रिकॉर्ड किया जाता है उसके बाद में बेटा आई सी ए आई अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स जो भी अटैम्प्ट होगा आपका मे अटैम्प्ट होगा तो एग्जाम के दो महीने पहले रिकॉर्ड होती है और uh, आपका नवंबर होगा तो उसके दो महीने पहले रिकॉर्ड होती है जनरली मार्च के सेकेंड वीक में पर uh, सॉरी हाँ मार्च के सेकंड वीक में लेकिन कोशिश करता हूँ कि आई सी ए आई की स्टेचुटरी अपडेट्स आने के बाद पाँच दिन के अंदर आपको अमेंडमेंट्स मिल जाए ओके okay, मैंने दिया है मार्च सेकंड वीक में लेकिन ओके आई सी ए आई की स्टेचुटरी अपडेट्स आने के बाद पांच से दस दिन में आपको अमेंडमेंट्स प्रोवाइड कर दी जाती है अगर स्टेचुटरी अपडेट्स पहले आ गई तो आपको अमेंडमेंट पहले मिल जाएगी आप बात समझ रहे हो मेरी चलो उसके बाद में बेटा क्विक चार्ट रिवीजन क्विक चार्ट रिवीजन का ऑब्जेक्ट होता है कि आपने फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर दी सेकंड रीडिंग कंप्लीट कर दी अब आप रिवीजन करना चाहते हो और मैराथन रिवीजन करना चाहते हो और वो आता है बेटा थर्ड वीक ऑफ मार्च में ओके थर्ड वीक ऑफ मार्च में मेरे तीन तीन घंटे के लेक्चर्स आते हैं तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आप सुबह से लेके शाम तक बैठ जाओ तो सभी लेक्चर्स ख़त्म हो जाते हैं और ये क्विक चार्ट रिविजन बहुत हेल्पफुल है बेटा बहुत स्टूडेंट्स फीडबैक है कि यहाँ पे सर ये एकदम पूरा कोर्स रिफ्रेश कर देता है एक ये जड़ी बूटी है कि एग्जाम के पहले एक कॉन्फिडेंस आपको दे देता है कि यस हम आईडीटी में मोर देन सेवेंटी मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं उसके बाद में बेटा यहाँ पे है ओके एग्जाम स्ट्रैटर्जी जो जनरली मैं जनवरी में रिकॉर्ड करता हूँ कि तीन महीने जो आपके क्रिशियल होते हैं ओके okay, वो तीन महीने में हमने हमारा प्लान कैसे बनाना चाहिए आई और अदर सब्जेक्ट का इसकी पूरी स्ट्रैटर्जी यहाँ डिसाइड होती है तो ये था बेटा हमारा टाइम आपके अटैम के लिए मैं आपको कहूंगा कि जब तक आप एग्जाम नहीं देते हो तब तक हम आपके साथ में हैं और इतने अलग अलग कोर्सेज जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सेस में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ बस आप बस आपको पढ़ना है बाकी हम यहाँ बैठे है दोस्तों चलिए अब ये तो हुआ मैं अटैम्प के लिए दूसरा यहां नवंबर अटेम के लिए अगर मैं दुखूं तो ये टाइमलाइन मैं थोड़ा तो नवंबर अटेम के लिए बता देता हूं आपका अटेम्प्ट अगर नवंबर में होगा तो रेगुलर uh, कोर्स की रिकॉर्डिंग जो चालू होती है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में रिकॉर्डिंग चालू होती है सुपर थर्टी फाइव की रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मिड ऑफ जून में चालू होती है एक बार आप ध्यान से देखिएगा ओके okay, तो सुपर थर्टी फाइव की रिकॉर्डिंग मिड ऑफ जून में स्टार्ट होती है बूस्टर रिविजन जो है आफ्टर रिजल्ट ओके क्वेश्चन या डिस्कशन जो है वो अगस्त थर्ड वीक ऑफ अगस्त में हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो ये डेट आप ध्यान से देख लीजिएगा ओके okay, और आईसी अमेंडमेंट्स स्टैच्यूटरी अपडेट्स आने के पाँच दिन बाद या मैक्सिमम दस दिन में आपको क्योंकि नोट्स भी अकॉर्डिंगली हमें बनाना पड़ता है तो मैक्सिमम जो है दस दिन में आपको अवेलेबल करवा के दे दिया जाता है ओके okay, पर मैं जनरली सप्टेम्बर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में दे देता हूँ और उसके बाद में क्विक चार्ट रिविज़न सप्टेबर थर्ड वीक में आपको मिल जाता है और फाइनल एग्जाम जो है स्ट्रैटर्जी uh, आपकी कैसे होनी चाहिए तो हम ये मैं जुलाई में रिकॉर्ड करके आपको तीन महीने की पूरी स्ट्रैटर्जी बताता हूँ सो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बता दूं जैसे सुपर थर्टी फाइव हुआ बूस्टर रिवीजन हुआ मैं साल में एक बार रिकॉर्ड करता हूं इसलिए अगर मैंने मे अटेम के लिए रिकॉर्ड किया हुआ है तो नवंबर के लिए अगर सब्सटेंशियल चेंज नहीं है और बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है तो फिर बेटा वही जो मे अटेम का रिकॉर्डिंग है सुपर थर्टी का बूस्टर का जो रिकॉर्डिंग है ये नवंबर के लिए अमेंड करके मिल जाता है ना जो जो लेक्चर्स में जहां जहां अमेंडमेंट्स हुई है क्योंकि अमेंडमेंट्स अगर बहुत कम है तो फिर ब्लेंडेड बैच आपको मिलती है और जो जो लेक्चर्स में अमेंडमेंट है वो लेक्चर्स अमेंड करके आपको मिल जाते हैं हाँ अगर बहुत सब्सटेंशियल चेंज है बहुत ज्यादा चेंज है तो ऑप्शन ही नहीं बेटा मैं क्या कोई भी रहा तो हमें वो नई रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है पर आ, ऐसा कम हुआ है कि पूरा एक्ट ही बदल गया या फिफ्टी सिक्सटी परसेंट चेंजेस कर लिया ऐसा कभी नहीं होता है विद इन स्पैन ऑफ सिक्स मंथ और मैक्सिमम 10 परसेंट के अमेंडमेंट्स होती है तो आ, यहां पर जैसा अभी मई के लिए हम रिकॉर्ड करेंगे तो मई के लिए अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो नवंबर के लिए वो एक आपको ब्लेंडेड बैच आपको मिल जाती है ओके okay, एग्जाम और यहाँ पे बूस्टर रिवीजन अब क्वेश्चनर डिस्कशन में बेटा क्वेश्चनअर डिस्कशन में भी ऐसा ही होता है कि जो जो क्वेश्चन में अब चेंज uh, हुआ है वो क्वेश्चन मेरे कोर्स में यानी जो मैंने सेशन रिकॉर्ड किए उसमें वो चेंज होके आपको ब्लेंडेड क्वेश्चनर्स जो है ओके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको नेक्स्ट अटेम के लिए मिल जाते हैं तो या क्विक रिवीजन ये तो आ, हर अटैम के लिए हम रिकॉर्ड करते ही है और यहां पे स्ट्रेटर्जी आपकी कैसी होनी चाहिए इसके लिए भी मैं स्पेशल रिकॉर्डिंग करता हूं बेटा तो जैसा सुपर थर्टी फाइव बुस्टर रिविजन कोर्स होता है मेरी, मेरी साल में या क्वेश्चन या डिस्कशन होता है साल में एक ही रिकॉर्डिंग होती है और उसके बाद में नेक्स्ट अटेम्प के लिए उसको ब्लेंड करके मिल जाता है जब तक कोई सब्सटेंशियल चेंज ना हो तो आई होप आपको पूरी ये टाइमलाइन समझ में आ गई होगी बेटा यस और नो चलिए तो अब मैं आगे कुछ आपके सवाल है बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चन है तो ये डाउट्स और क्वेश्चन इस पर हम देखना चाहेंगे कि जैसे पहला सवाल आपका ये कि सर इज दिस फिक्स और टेंटेटिव बैच शेड्यूल फॉर न्यू क्लासेस और इट इज सब्जेक्ट टू चेंज विथ चेंज इन फाइनल एग्जाम डेट्स अभी कोविड नाइन्टीन के वजह से और इलेक्शन के वजह से पिछले दो साल में तो ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम कैंसिल हुई पोस्टपोन हुई तो अगर एग्जाम कैंसिल पोस्टपोन होती है तो फिर मेरा टाइम यानी रिकॉर्डिंग टाइम भी चेंज हो जाता है लेकिन ये जो है जनरली जो मैंने आपको टाइमलाइन दिया कि रेगुलर कोर्स फास्ट ट्रैक कोर्स इस पीरियड में रिकॉर्ड होती है तो आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चन जो है इसमें आपको आंसर्स आपके मिल गए हो गये। उसके बाद में टेंटेटिव तो वही डेट होती है जब तक एग्जाम के डेट्स में चेंज ना हो या एग्जाम कैंसिल हो जाए तो फिर बेटा फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है या पोस्टपोन हो जाए तो कोई ऑप्शन नहीं है फिर तो नए शेड्यूल आते हैं रिकॉर्डिंग के अदरवाइज टेंटेटिव यही ओके okay, शेड्यूल होते हैं उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है सर एज पर द टाइमलाइन आर दीज न्यू क्लासेस विल बी अमेंडेड फॉर इलेवन अटेम और नीड टू बी अमेंडेड नीड टू डू अमेंडमेंट सेपरेटली नहीं बेटा uh, मैं आपको एक बात बता दूं ये टाइमलाइन जो मैंने आपको दी है ये टाइमलाइन के बाद आप अगर स्पेसिफिकली मे अटेम्प्ट या नवंबर अटेम्प्ट क्योंकि हमारे वेबसाइट पे लिखा हुआ होता है कि ये स्पेशली मे अटेम्प्ट के लिए है या नवंबर अटेम्प्ट के लिए तो ये टाइमलाइन के बाद अगर आप परचेस करते हो तो आपको कंप्लीटली अमेंडमेंट क्लासेस मिलते हैं तो आपको सेपरेट अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर आपने समझ लो टाइम लाइन दिया मे अटैम्प के लिए और मे अटैम्प्ट के लिए मैंने टाइम लाइन दिया आपको अक्टूबर और आपने क्लास परचेज किया फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के पास तो आपको मे अटैम्प्ट के लिए बेटा वही अमेंडेड क्लासेस मिलेंगे आपको सेपरेट अमेंडमेंट्स करने की कोई जरूरत नहीं है आप मेरी बात समझ रहे हो तो हाँ अगर आपका नवंबर अटेम्प्ट है और आप नवंबर अटेम्प्ट में आ, जो क्लास बाय कर रहे हो बेटा वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के बाद बाय कर रहे हो रेगुलर कोर्स या फिर मैंने जो आपको टाइमलाइन दिया सुपर थर्टी फाइव कोर्स का तो सुपर थर्टी फाइव कोर्स बेटा uh, आप जो है मिड ऑफ दिसंबर के बाद बाय कर रहे हो फॉर मे अटेम्प्ट या मिड ऑफ जुलाई के बाद बाय कर रहे हो ओके okay, फॉर हाँ मतलब जो भी टाइमलाइन दिया होगा मैं थोड़ा अगर मिस्टेक कर दूं तो आपने वो टाइमलाइन रिवर्स करके देख लेना तो जो टाइमलाइन मैंने दी उसके बाद बाय करते हो तो आपको जो है बेटा ओके कंप्लीटली अमेंडमेंट लेक्चर्स मिल जाएंगे ओके अमेंडेड लेक्चर्स मिल जाएंगे नवंबर के लिए जून फिफ्टींथ ऑफ तो जून, तो जून में सुपर थर्टी कोर्स हम स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद बाय करते हो तो आपको कंप्लीटली अमेंडेड लेक्चर्स मिल जाते हैं आपको सेपरेट अमेंडमेंट्स करने की कोई जरूरत नहीं है नाउ आपका तीसरा सवाल ये हो सकता है सर आई हैव परचेज योर एग्जिस्टिंग क्लासेस इन लास्ट वन ईयर हाउ टू गेट द अमेंडमेंट्स फॉर अपकमिंग अटेम्प्ट जैसे मैंने आपको दिया टाइमलाइन में कि आपने पिछले एक साल में डेढ़ साल में क्लासेस किया हो तो फिर ये सिचुएशन में यहाँ जो है आपको अमेंडमेंट्स जो है Uh, जैसे मैंने टाइमलाइन दिया कि एग्जाम के दो महीने पहले या स्टेट्यूटरी अपडेट्स आने के बाद टू डेज में वो रिलेवन अटेम्प के लिए अमेंडमेंट्स मिल जाती है एक सवाल ये भी है कि मैंने कवर कर लिया क्या देखते नहीं तो फिर मैं आपको अलग से बता दूंगा ये बेटा यहां पे सर कैन आई परचेस योर कोर्स वन ईयर बिफोर एग्जाम फॉर अर्ली प्रिपरेशन इन दिस केस हाउ आई विल गेट द अमेंडमेंट्स कवर्ड अब मैं जो कहने जा रहा हूं आप बहुत ध्यान से सुनना जैसे बेटा मैंने टाइम लाइन दिया कि आपका मे अटेम्प्ट है एग्जाम्पल लेते हैं आपका मे अटेम्प्ट है और मे अटेम्प्ट के लिए यस मे अटेम्प्ट के लिए मेरी रिकॉर्डिंग चालू होती है कब अक्टूबर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर पर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये या अक्टूबर लेट हो रहा है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की ये ये मैंटेलिटी होती है कि नहीं मेरे एग्जाम के आठ महीने पहले क्लासेस खत्म होना हो जाना चाहिए अब देखो क्या हुआ कि समझ लो आपका मे ट्वेंटी टू है एग्जाम्पल लेते हैं मे ट्वेंटी टू अटैम्प्ट है और मे ट्वेंटी टू अटैम्प्ट मेरा अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में रिकॉर्डिंग चालू होगी फॉर मे अटेम्प उसका रीजन मैंने आपको बता दिया क्योंकि मुझे थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक की अमेंडमेंट्स कवर करनी पड़ती है तो मैं पहले तो नहीं ले सकता हूं अब आपका क्या सवाल आता है कि सर नहीं मुझे पहले करना है पहले करना है तो फिर आपको जो रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे वो लास्ट अटेम्प के मिलेंगे ओके okay, मतलब नवंबर 21 के अटेम के रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे तो क्या हमने वो रिकॉर्डेड सेशंस करने चाहिए क्या कर सकते हो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं वो रिकॉर्डेड सेशंस आप कर लो तो आपको अमेंडमेंट सेपरेटली करनी पड़ती है तो सर अमेंडमेंट्स क्या होता है अब मैं आपको एक बात बता दूँ अमेंडमेंट्स मतलब ऐसा नहीं होता है कि पूरा एक्ट ही बदल गया ध्यान से सुनना मेरी बात पूरा एक्ट ही बदल गया ऐसा नहीं होता है अमेंडमेंट मतलब एग्जिस्टिंग लॉ पे क्लैरिफिकेशन आ गए नोटिफिकेशन्स आ गए या कुछ सेक्शन में चेंजेस हो गए क्यों क्योंकि बेटा यहाँ पे फाइनेंस एक्ट जो आता है वो ईयली आता है तो ऐसा थोड़ी कि पूरा एक्ट ही बदल देंगे इसी जीएसटी एक्ट तो जब भी मैं कहता हूँ ना अमेंडमेंट्स आते हैं तो लोग डर जाते हैं लोग कहते हैं कि अमेंडमेंट मतलब पूरा एक्ट ही बदल गया ऐसा कभी नहीं होता है अमेंडमेंट्स जो है बेटा यहां पे जहां तक देखा जाए तो अमेंडमेंट्स यहां पे क्लैरिफिकेशन uh, मतलब एग्जिस्टिंग लॉ पे सीबीआईसी सी ने कोई इंडस्ट्री में अगर कन्फ्यूजन होता है तो क्या क्लैरिफाई करती है वो आता है अमेंडमेंट्स में मैक्सिमम क्लैरिफिकेशन आते हैं और जहां तक देखा जाए नोटिफिकेशंस आते हैं जो एग्जिस्टिंग लॉ को नोटिफाई करते हैं क्लैरिफाई करते हैं और कुछ सेक्शन में चेंज हो जाता है दस से पंद्रह अमेंडमेंट्स होती है जिसमें एक्ट तो सिर्फ चांसेस होते तीन परसेंट के एक्ट बदल गया चांसेस होते तीन परसेंट के हाँ उसको क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर्स आते हैं या नोटिफिकेशन आते हैं तो बेटा मैं तो ये कहूँगा ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि अगर आप पहले खरीद लो लास्ट uh, अटेम वाला कोर्स uh, और बाद में अमेंडमेंट्स कर लो सेपरेटली तो ये भी बहुत अच्छा है मतलब आपका विद इन टाइम आपके प्लानिंग के हिसाब से स्टडी हो जाती है और अमेंडमेंट्स तो मैं आपको दे ही रहा हूँ और मैं आपको एक बात बता दूँ जो सच में इम्पॉर्टेंट बात है को कोई भी कुछ कहे लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ कि बेटा अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से हो गया ना तो अमेंडमेंट्स आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है क्यों क्योंकि आपको समझ में आता है कि गवर्नमेंट ने ऐसी अमेंडमेंट क्यों की क्योंकि आपको एग्जिस्टिंग लॉ पता था अगर एग्जिस्टिंग लॉ पता था तो इसमें आपको ये समझ में आता है कि हाँ कि गवर्नमेंट ये रीज़न होगा जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे अमेंडमेंट्स किया हुआ है उसके बाद में बेटा ओके इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर कोई अक्टूबर के पहले या फिर अप्रैल के पहले ओके लास्ट रिकॉर्डेड बैच का कोर्स लेना चाहता है तो ले लीजिएगा बिंदास लीजिएगा मैं यहां बैठा ओके से दस से पंद्रह पंद्रह परसेंट अमेंडमेंट्स होती है उसमें से एक्ट में जो जहां एक्ट बदल गया ऐसे तीन परसेंट अमेंडमेंट होती है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बेटा हाँ और बाकी क्लैरिफिकेशन और नोटिफिकेशन होते हैं तो मैं सजेशन uh, दूंगा कि आप पढ़ सकते हो हाँ अगर कोई स्टूडेंट ये मैंटेलिटी का होगा कि नहीं नहीं मुझे तो अमेंडेड ही पढ़ना है मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ फिर बाद में पढ़ने के लिए तो फिर वो राह दे सकता है अक्टूबर या यहाँ पे अप्रैल की रेगुलर कोर्स के लिए या सुपर थर्टी फाइव कोर्स के लिए सुपर थर्टी फाइव कोर्स अब देखो सुपर थर्टी फाइव कोर्स मेरा डिसम्बर में आएगा या जून में आएगा ओके डिसंबर फॉर मे अटैम्प और नवंबर अटैम्प के लिए जून में आएगा अब कोई स्टूडेंट सुपर थर्टी फाइव कोर्स लेना चाहता है और वो इतना रुकना नहीं चाहता है तो मैं तो उसको कहता हूँ पहला ले बेटा और अमेंडमेंट हम बाद में करेंगे ना मेरे पे ट्रस्ट रखो ना मैं आपके अमेंडमेंट बहुत अच्छे से करवा के दूंगा तो वो सुपर थर्टी फाइव में भी ये जो है ये प्लानिंग कर सकता है उसके बाद में दूसरा सवाल आपका ये भी आ सकता है फिफ्थ नंबर का मैं सवाल ले लेता हूं कि सर कैन आई परचेस सुपर कोर्स नाउ एंड देन वेटिंग फॉर न्यू रिकॉर्डिंग फॉर रिस्पेक्टिव अटेप मैं आपको जस्ट कह रहा हूं अभी अभी हमारी बात हुई सुपर थर्टीफाइव कोर्स थोड़ा ये लेट आता है रेगुलर कोर्स के बाद तो आप जो है जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग है ओके okay, जैसा आपका नवंबर अटेम्प्ट है तो मे की जो रिकॉर्डिंग थी वो ले लो और मे की जो रिकॉर्डिंग है उसके बाद अमेंडमेंट कर लो ओके okay, उसके बाद अमेंडमेंट सेपरेटली जो दो, दो महीने पहले आती है वो कर लो इससे फायदा क्या होगा कि जो स्टूडेंट ये मानता है कि आठ महीने पहले मेरी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए वो स्टूडेंट की क्लासेस खत्म हो जाती है सबसे बड़ा बेनिफिट है क्योंकि बेटा इससे अच्छी आइडियल सिचुएशन नहीं सी फाइनल लेवल में कि आपकी आठ या सात महीने पहले सभी क्लासेस खत्म हो गई और आप बाद में रिविजन स्टार्ट कर रहे हो तो अमेंडमेंट्स के बारे में हमारी बात हुई कि दस से पंद्रह से ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं होती है और अगर कोई केस

और मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा जैसे आप सीए इंटर का फर्स्ट ग्रुप निकल गए या दोनों ग्रुप निकल गए आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लिए तीन साल बाद आपका फाइनल का अटेम्प्ट अब क्या होता है जब आप ऑफिस में जाते हो बेटा तो जीएसटी का आपको बेसिक बेसिक जितना नॉलेज है फोर्टी मार्क्स का जो आपने इंटर लेवल पे लिया है मेरे पास कोर्स लगाया या किसी और के पास लगाया हो आपको जितना है, उतना आपने ले लिया लेकिन बेटा जब ऑफिस में जाते हो ना तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं बहुत सारे चैलेंजेस मतलब क्या कि सडनली वो बॉस आपको कहता है जीएसटी या रिटर्न फाइल करो एग्जाम टेट सप्लाई नील सप्लाई ये कंप्लीट करो ये एडजस्टमेंट देखो ये क्रेडिट लेजर वो क्रेडिट लेजर तो इसमें क्या हो जाता है बेटा बहुत सी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो एक स्ट्रैटर्जी आप बहुत अच्छी बना सकते हो और वो स्ट्रैटर्जी क्या बना सकते हो यहां पे कि जैसे ही आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया सीए इंटर रिजल्ट के बाद ही आप फाइनल की स्टडी मैं आपको कह रहा हूं फाइनल की स्टडी जो आप चालू कर सकते हो उसमें जीएसटी ले लेना जीएसटी है इनकम टैक्स है तो चलो मैं जीएसटी की बात करूं क्योंकि ऑफिस में अभी सबसे ज्यादा वर्क जीएसटी जीएसटी पे होता है GST का रेगुलर कोर्स बाय कर लेना जिसमें डिस्कशन किया हुआ repeat, ले लिया, इंटर के तो कि एग्जाम आपकी तीन महीने बाद जो भी एग्जिस्टिंग तो उसका फायदा होगा बेटा कि आपकी की भी चालू हो जाएगी और ऑफिस में आप को जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो भी आप हैंडल कर पाओगे बहुत अच्छे से तो ऐसे स्टूडेंट को मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप कोर्स कर लो फिर आपका एक सवाल होगा सवाल क्या होगा कि सर यहाँ पे जहां तक है जो अबिनमेंट्स हो जाएगी टू इयर्स में टू एंड हाफ इयर्स में उसका हम क्या करेंगे तो उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि फिर आप मेरा सुपर थर्टी फाइव कोर्स ये कोर्स आप बाय कर सकते हो तो देखो आपका इंडेक पहले रेगुलर कोर्स हो गया ऑफिस में भी आपको बहुत काम आ गया फाइनल की स्टडी आपकी चालू हो गई एग्जाम के ढाई साल पहले तीन साल पहले और बेटा स्टडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऑफिस में आप बहुत अच्छे वे से जीएसटी की केसेस हैंडल कर पाओगे अगर आपने फाइनल लेवल का कोर्स किया तो स्टडी में भी फायदा हो गया ऑफिस में प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी फायदा हो गया कोर्स कितना है इसका भी आपको डिटेल जानकारी मिल गई और फिर जब एग्जाम आएगी तो एग्जाम के छः महीने पहले या चार महीने पहले, पहले आप मेरा सुपर थर्टी फाइव कोर्स कर सकते हो तो सर आप कहोगे सर इसमें तो डबल पैसा चले गया नहीं बेटा अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको हम डिस्काउंट ज़रूर देंगे क्यों क्योंकि आपने रेगुलर कोर्स भी लिया है और सुपर थर्टी फाइव कोर्स भी लिया है तो यस एक रीजनेबल डिस्काउंट हम आपको ज़रूर देंगे तो ये सबसे अच्छी स्ट्रैटर्जी है तो आप अपने जूनियर को ये बात बता सकते हो और कि जूनियर को एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो इंटर से आया है तो उनको आप ये बता सकते हो कि यार कोर्स ले ले सिलेबस कर ले तेरा पढ़े भी हो जाएगा और आपको ऑफिस में बहुत काम भी आएगा तो ये था बेटा रिगार्डिंग टू ये आपके जो सवाल और क्वेश्चंस थे जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया एक लास्ट सवाल आपका हो सकता है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर वर्सेज सुपर थर्टी फाइव वर्सेज बूस्टर कोर्स तो मैं आपको ये कहूंगा डिस्क्रिप्शन कॉलम में लिंक दिया हुआ है ये लिंक जरूर आप देखिएगा बहुत अच्छा टू मिनट्स मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन सा स्टूडेंट ने रेगुलर कोर्स लेना चाहिए सुपर थर्टी फाइव कोर्स लेना चाहिए बूस्टर कोर्स लेना चाहिए तो लिंक में आपको मिल जाएगा सो so, बेटा इसके अलावा कोई आपके डाउट्स और क्वेश्चन हो गए तो यस uh, yes, uh, उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर देखिएगा आप ये कोर्सेस हमारे वी स्मार्ट के जहाँ तक देखा जाए बीस स्मार्ट के हमारे वेबसाइट से परचेज कर सकते हो या फिर आप ये कोर्सेस जो बेटा यहाँ हमारे वीस स्मार्ट सेंटर से भी बाय कर सकते हो बहुत स्मार्ट के जितने भी ऑथराइज सेंटर्स है इसका लिस्ट आपको हमारे वेबसाइट पे दिया हुआ है आप देख सकते हो और वहाँ से भी बाय कर सकते हो यस Uh, मैं आपको सबको स्ट्रांगली ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पी से ज़्यादा वीडियो डाउनलोड मोड में जाइए इसमें आपकी शिपिंग कॉस्ट आपका पी डी कॉस्ट सब्सटेंशियल कॉस्ट आपका से हो सकता है तो ऑनलाइन डाउनलोड मोड और जल्द से जल्द अक्चर अवेलेबल हो जाते हैं तो ऑनलाइन डाउनलोड मोड सबसे ज़्यादा अच्छा है ओके तो आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे आपको कुछ और डाउट्स होगा तो डायरेक्ट ऑनलाइन दिया हुआ है और ई uh, मेल दिया है आप इस पर मेल भी कर सकते हो सो so, दोस्तों आ, एक बात और कह दूं कंप्लीट करने के पहले आपको कौन कौन से मटेरियल प्रोवाइड हो गए रेगुलर कोर्स में उसके बाद में सुपर थर्टी फाइव कोर्स में बूस्टर रिविजन कोर्स में मेरा मटेरियल किस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है और किस तरह से आपको हेल्प करेगा इसका वीडियो भी आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा तो आप वी स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको ये वीडियो भी ज़रूर देखना क्यों क्योंकि जब आप कोर्स बाय करते हो तो आपको क्या क्या मिलना चाहिए आपके जानकारी में होना जरूरी है आ, और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि मेरा मटेरियल मैंने कैसे डिज़ाइन किया है और उसको रीड कैसे करना चाहिए ओके okay, ये भी जानना बहुत जरूरी है तो वो भी वीडियो आप जरूर देखेगा डिस्क्रिप्शन में अगर मैं रिकॉर्ड कर लूँ तो डिस्क्रिप्शन में होगा या सिर्फ सेपरेट आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा सो थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटा बस अच्छी पढ़ाई करना है और हमें सी क्लियर करना है ऑल द बेस्ट थैंक यू